प्रोब सेट की, नहीं पता है कि मशीन ठीक है नहीं, ये खाली वायर आ रही है, यस लाइन आ रही है, ठीक है, चैनल 1 पे लगानी है या चैनल 2 पे, जिस पे आपका दिल करे वो अच्छा ठीक है ओके लग गया ये, इसको ऐसे चल गया, अगर इसमें स्केल आते तो फिर तो ठीक है जी, और ना आएगी ये देखना, हां ये सही है, आपको पता है कि मैं वर्किंग कर रही हूं जी, ठीक है, मतलब चैनल 2 के लिए ये ऑरेंज लाइन है, चैनल 1 के लिए वो ब्लू लाइन है, ठीक है, और अगर ये तो मतलब स्पीड की वेव्स ना आए तो इसका मतलब होता है कि मशीन खराब है, मशीन खराब है या इसमें वायर में कोई इशू है या कोई इशू है, उसके बाबा तो ये नीचे वाला भी रखा है, ये इसको इसको बाद में करते हैं, इसका इसको कहते हैं इस काम को पूरा को कहते हैं कैलिब्रेशन करना, जब भी मैं कैलिब्रेशन करती हूं इसके बाद कैलिब्रेशन कर ओके, इसके बाद हम इसको देखते हैं यहां से कपड़े तो ना मान ये पार्टिकल है कोई चीज बताओ क्या है, यह है फ्रीक्वेंसी जनरेटर जी, और यह है ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप का काम होता है कि ना जो भी आपके लिए जो बनता है ना वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो करती है, क्या करती है तो वो मतलब इनका आप थोड़ा बाद में भी हम लोग देखते रहेंगे, आप ऊंचा पीछे बच्चे समझ, ये मैं उल्टा सीधा बता रहा हूँ आपको, बाद में जो देखेगा उसने, नहीं नहीं कोई मसला नहीं, हमने कुछ नहीं देखना, बस आप थोड़ा सा ऊंचा बोले, आप इसको इसका काम होता है आपको स्टिमुलस के जो पिक्चर होती है वो ये बनाती है, वो शो करती है, इसलिए हम इसे फ्रीक्वेंसी देते हैं, ओके okay. आपने कभी सुना है हमारे घरों में जो बिजली आती है उसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, जी 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 जी, वो मुख्तलिफ हर्ट्ज में भी आप जब आप पैटर्न वगैरह करते हैं या जब ग्रिड वगैरह पे काम करते हैं तो वो वहाँ पे मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी होती हैं, उनका ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये उसके लिए है, इसके ऊपर लिखा हुआ मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज तक, जिसको वो हमारी अपनी मर्जी, मतलब कि हम 20K तक भी आ जाएंगे, 20K तक आ जाएंगे, और इससे वेव चेंज होती हैं, और इससे ये स्केल है, ये वो साइनसाइडल, ओके, तो अब ये इसको सेट करने का तरीका होता है कि ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, ये हां ये फ्रीक्वेंसी जिस चीज के ये ऑसिलोस्कोप मालूम करेंगे वो चीज किधर रखेंगे, उसकी हम फ्रीक्वेंसी उसको देते हैं मतलब, फिर उसके हम प्रैक्टिकल करते हैं, अभी तो सिर्फ हमने स्क्वायर वाला करना था ना, बस आज डेमो, हां वो आपको हो गया, अब दूसरा फ्रीक्वेंसी जनरेटर के साथ इसको कैसे मिलाते हैं, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गई और ये